नमस्कार। हिंदी प्रतियोगिता के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम आपके लिए अक्सर भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आते हैं, तो आज हम आपके लिए भूगोल से जो है जिस टॉपिक पर आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आए हैं वो है गंगा नदी तंत्र। गंगा नदी तंत्र के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते थे वो सभी हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। तो ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए है, तो वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक बने रहें। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी जो है वो गंगा नदी मानी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गंगोत्री में गंगा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगोत्री में गंगा को भागीरथी से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए भागीरथी इसका सही आंसर है। तो याद रखें, गंगोत्री में गंगा को भागीरथी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा नदी कहाँ से निकलती है? तो अलकनंदा जो है वो सतोपंथ ग्लेशियर से निकलती है। सतोपंथ ग्लेशियर ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत है भागीरथी और अलकनंदा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा, भागीरथी और अलकनंदा। अगला प्रश्न है, जिस जगह पर भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है? तो भागीरथी और अलकनंदा नदी के मिलने से गंगा बनती है, उस जगह का नाम है देवप्रयाग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, देवप्रयाग। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किस स्थल से उद्गम होता है? तो गंगा नदी का उद्गम जो है वो होता है गौमुख से। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर है, गौमुख। आगे है, गंगा नदी कहाँ जाकर गिरती है? तो गंगा नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। तो ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर है, बंगाल की खाड़ी। अगला प्रश्न है, गंगा नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो गंगा नदी की कुल लंबाई है 2525 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर है, 2525 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर है, गंगा नदी जो है वो भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? तो गंगा नदी जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश से होकर गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर सी का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे बसे भारतीय शहर कौन कौन से हैं? तो गंगा नदी के किनारे पे जो है वो हरिद्वार, कानपुर, इलाहाबाद, पटना, भागलपुर, वाराणसी और कोलकाता, ये सभी शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे बसते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो गंगा नदी के किनारे बसा सबसे बड़ा शहर है कानपुर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, कानपुर। अगला प्रश्न है, गंगा नदी पर कौन कौन से बांध स्थित है? तो गंगा नदी पर जो है वो फरक्का बांध और टिहरी बांध, ये दोनों बांध जो है वो गंगा नदी पर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गंगा में बाएं तरफ से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन सी है? तो गंगा में बाएं तरफ से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानदी। तो ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गंगा में दाएं तरफ से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां कौन सी हैं? तो गंगा में दाएं तरफ से आकर मिलने वाली प्रमुख सहायक नदियां हैं यमुना नदी और सोन रिवर। ऑप्शन नंबर बी का सही आंसर है, यमुना और सोन नदी जो है गंगा में दाएं तरफ से आकर मिलती है। अगला प्रश्न है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है यमुना नदी। ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, यमुना नदी किस जिले में आकर गंगा नदी से मिलती है? तो यमुना नदी जो है वो प्रयागराज, इलाहाबाद में जाकर जो है वो गंगा नदी से मिलती है। ऑप्शन नंबर ए का सही आंसर है, प्रयागराज, इलाहाबाद। अगला प्रश्न है,
गंगा की किस सहायक नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, कोसी नदी। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सीधे गंगा में जाकर मिलती है? तो गंगा में जाकर, जो सीधे जाकर गंगा से मिलती है, वो है सोन नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, सोन। अगला प्रश्न है, कौन सी सहायक गंगा की सहायक नदी अमरकंटक पठार से निकलती है? तो गंगा की वो सहायक नदी जो अमरकंटक पहाड़ से पठार से निकलती है, वो है सोन नदी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं? तो भारत में डेल्टा बनाने वाली जो नदियां हैं, वो है कावेरी, गंगा और महानदी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, कावेरी, गंगा और महानदी नदियां जो है वो डेल्टा बनाती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो नदी जो है वो अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो अरुणाचल प्रदेश में सांगपो नदी को जाना जाता है ब्रह्मपुत्र के नाम से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा को कहा जाता है पद्मा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, पद्मा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में कहा जाता है जमुना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, मेघना। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो सुंदरवन डेल्टा जो है वो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखें। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा कब दिया गया? तो गंगा को भारत की राष्ट्रीय नदी का दर्जा मिला है नवंबर 2008 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, अलकनंदा की दो प्रमुख धाराएं कौन सी है? तो अलकनंदा की दो प्रमुख धाराएं हैं धौली गंगा और विष्णु गंगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, धौली गंगा और विष्णु गंगा अलकनंदा की दो प्रमुख धाराएं हैं। अगला प्रश्न है, धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को क्या कहा जाता है? तो धौली गंगा और विष्णु गंगा के संगम को कहा जाता है विष्णु प्रयाग। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है, विष्णु प्रयाग। अगला प्रश्न है, मंदाकिनी नदी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहा जाता है? तो मंदाकिनी और अलकनंदा के संगम को कहा जाता है रुद्रप्रयाग। ऑप्शन नंबर ए रुद्रप्रयाग इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, पिंडर नदी और अलकनंदा नदी के संगम को क्या कहा जाता है? तो पिंडर और अलकनंदा नदी के संगम को कहा जाता है कर्णप्रयाग। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो भागीरथी नदी जो है वो गौमुख ग्लेशियर से निकलती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है, गौमुख ग्लेशियर। तो ये थे आज के गंगा नदी तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।